उनका दावा खोखला साबित होगा। यहाँ पर कांग्रेस की लहर चल रही है, लहर चल रही है। ओपीएस को लागू करना आवश्यक है माननीय दृष्टिकोण से। इतने घबराई सरकार है, ये जाने वाली है। 12 तारीख को जो वोटिंग हुआ यहाँ पर, एक तरफ वोटिंग होगी कांग्रेस पक्ष। शिमला में हम हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब यहां पर कैंपेनिंग के लिए पहुंचे हैं शिमला में, उनसे बातचीत करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि राज नहीं, इस बार रिवाज बदला जाएगा, क्योंकि हर 5 साल में परंपरा है सरकार बदलने की, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। उनका दावा खोखला साबित होगा। यहाँ पर कांग्रेस की लहर चल रही है, लहर चल रही है। सभी वर्गों में बहुत भयंकर आक्रोश है, और कर्मचारियों में विशेष रूप से ओपीएस को लेकर। ओपीएस को लागू करना आवश्यक है माननीय दृष्टिकोण से भी, और मेरी तो मांग है पूरे देश में सब राज्य में होना चाहिए। हमने वहां लागू कर दिया है, बेनिफिट मिलने लग गया है, तभी ये गुमराह करे कर्मचारियों को। इससे आप बताइए कि मुख्यमंत्री स्तर पर ये कहा जाए कि खाली घोषणा हुई है, ये मैं उचित नहीं मानता। मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है संवैधानिक रूप से। आप पता कर लीजिए, मुझसे पूछ लेते, मैं बताता भाई इतने बेनिफिट मिलने लगे, घोषणा नहीं हुई है, लागू हो गया। बार बार बोल रहे हैं वो, उनके नेता आते हैं बाहर से वही बोल रहे हैं, क्योंकि घबरा गए हैं लोग। इतने घबराई सरकार है, ये जाने वाली है। 12 तारीख को जो वोटिंग हुआ यहाँ पर, एक तरफ वोटिंग होगी कांग्रेस पक्ष में होगी। आप लोग तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कि जो भी बातें या जो भी मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं वो अव्यवहारिक हैं, फाइनेंशियल रूप से उनको फुलफिल करना मुश्किल है। सिर्फ वायदे करने के लिए कांग्रेस पार्टी कर रही है, अगर सत्ता में आ भी गई तो पूरा नहीं कर पाएगी। देखिए, राहुल गांधी का यही थीम है जब से वो राजनीति में आए, वो कहते हैं आप वही वादा करो जो निभा सको। इसी रूप में वो हर राज्य के अंदर मैनिफेस्टो बनवाते हैं, पब्लिक को पूछिए बनवाते हैं, और वो वादा किए करते हैं कि वादा करें वो निभाए। हम लोग, हमने निभाया, राजस्थान में निभाया, छत्तीसगढ़ में निभाया, हम लोगों ने मध्य प्रदेश निभा रहे थे, आधे वादे पूरे किए और सरकार को इन्होंने टॉपर कर दिया होस्टिंग करके। तो ये वादे निभाए जाएंगे जो लिखे गए हैं, यहाँ भी गुजरात के अंदर भी। और राहुल गांधी की यात्रा जो है वो पूरा संदेश दे रही है पूरे देश के अंदर, उसका भी लाभ मिलेगा हिमाचल में भी और गुजरात के अंदर भी मिलेगा। बीजेपी कह रही है राहुल जी आ इसलिए नहीं रहे हैं राजस्थान में क्योंकि उनको हार जो है वो दिख रही है अपनी। देखिए, मैंने कहा आपको कि राहुल गांधी की यात्रा का लाभ पूरे देश के अंदर कांग्रेस को मिल रहा है। मुद्दा क्या है? महंगाई का है, बेरोजगारी का है, लोग त्रस्त है, और राहुल गांधी चाहते हैं शांति, प्यार, मोहब्बत से राजनीति हो देश के अंदर, सद्भावना रहे, हिंसा नहीं हुई, तो कहते हैं वो। और यात्रा का प्रभाव तो चुनाव के रूप में मैं देखता हूँ, वो नहीं भी आते हैं, आने का प्रयास कर रहे, वो खुद भी आता छोड़ के, मान लो आएंगे 2-4 दिन के, नहीं भी आएंगे तब भी उनका संदेश घर घर में पहुंच चुका है पूरे देश के अंदर। उसके लिए बीजेपी विचलित हो गई है, बीजेपी खुद डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए इस प्रकार बातें कर रही है। अंतिम सवाल सर, वीरभद्र सिंह की गैर मौजूदगी में उनकी मृत्यु के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, दिग्गज नेता आपकी पार्टी में, कभी कांग्रेस पार्टी को दशकों तक मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में सोचना नहीं पड़ा, लेकिन इस बार कन्फ्यूजन है, क्या ये एक बड़ा चैलेंज है? देखिए, इस बार सहानुभूति है, राजा साहब नहीं रहे तो यहाँ की जनता चाहती है कि एक बार हम उनके अब्सेंस के अंदर, उनकी पत्नी आर पीसी प्रेसिडेंट भी है, मेंबर पार्लियामेंट भी रही है, तो एक श्रद्धांजलि के रूप में ही वोट देंगे। वो श्रद्धा सुमन चढ़ाएं एक प्रकार से वीरभद्र सिंह जी को, बल्कि मैं कह सकता हूँ ये भावना आज यहाँ के मतदाताओं में है, उसका आप देखें चुनाव के अंदर एक तरफा कांग्रेस जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक तरफा चुनाव हिमाचल प्रदेश में जीतने जा रही है।